हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट। और आप लोग का जो स्पॉट राउंड वाला जो सीट था उसके लिए डेट अनाउंस हो चुका है कि कब से भरना है, कैसे प्रोसीजर करना है, वो सब कुछ मैं ए टू जेड डिस्कस करूंगा। जो भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में सीट नहीं मिला है, और अगर आप DSU में अपीयर हुए थे इंट्रेंस में, CET इंट्रेंस में, तो आप अभी स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकते हो। रैंक से कोई लेना देना नहीं है, बस आपका अपीयरिंग होना जरूरी था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशंस जिन्होंने फ्रीज नहीं कराया, तो वो सारे स्टूडेंट भी आप एलिजिबल हो इसमें फॉर्म फिल करने के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका कॉलेज काफ़ी दूर था, तो उसके कारण भी एडमिशंस नहीं करवाया, ठीक है ना। तो वो लोग भी, आप लोग भी एलिजिबल हैं। तो मैं ए टू जेड चीज़ें, ये जो नोटिफिकेशन है, आपको मैं पूरा प्रॉपर बता देता हूँ, कैसे फिल करना है, कैसे करना है, कौन से स्टूडेंट नहीं करना है, किसको करना है, ए टू जेड आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगेगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि करना क्या, ठीक है। तो ये केवल और केवल किसके लिए है? फुल टाइम डिप्लोमा एंड ऑल्सो फॉर द लेटरल एंट्री एंड फार्मेसी, तीनों के लिए है, ठीक है। द ऑनलाइन एंड ऑनलाइन स्पॉट राउंड फॉर एडमिशन फॉर वेरियस फुल टाइम डिप्लोमा, फुल टाइम इन फार्मेसी एंड लेटरल एंट्री टू फुल डिप्लोमा प्रोग्राम, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए ही है, चाहे वो आप फार्मेसी से डिप्लोमा कर रहे हो या लेटरल एंट्री से कर रहे हो या नॉर्मल फुल टाइम डिप्लोमा, ठीक है ना। और ये जो स्पॉट राउंड है ओनली किसके लिए आएगा, जिसका जो मान लो कि अभी ये स्पॉट राउंड क्यों आता है, किसके लिए आता है, तो मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे आपने सीट फ्रीज किया होगा या सीट फ्रीज नहीं किया, आपको सीट अलॉट हुआ था और चूंकि फ्रीज नहीं किया तो सीट वो खाली रह गया, ठीक है ना। क्योंकि फ्रीज के बाद तो कोई डेट था नहीं जिसमें स्टूडेंट जिनका नहीं हुआ वो फ्रीज कर सकते हैं, तो बहुत सारे सीट ऐसे होंगे जो कॉलेज में खाली हो गए होंगे। रीजन क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट किसी दूर के कारण से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा, तो वो सीट खाली रह जाएंगे। तो वो सीट जितने खाली हैं उसके लिए ये आपको क्या दिया गया है, स्पॉट राउंड आता है, ठीक है ना। तो उसी में हो सकता है कि बहुत अच्छे जो जिनका काफ़ी ज़्यादा रैंक है उनको भी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है ना। ये लक बाई चांस है कि आपका लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, ठीक है ना। तो कुछ बातों को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक दिया हुआ है कि ऑल CET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु आर नॉट एडमिटेड और डू नॉट पोसेस एनी सीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड फॉर फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम, ठीक है। कि जिनका भी थर्ड राउंड तक किसी कॉलेज में नहीं सीट अलॉट हुआ है, ओके, और थर्ड राउंड तक और किसी भी कारण से अगर नहीं हो पाया है, तो आप स्पॉट राउंड में एलिजिबल हो सकते हैं। उन्होंने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दिया है कि द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन स्पॉट राउंड इंक्लूड्स कौन कौन से स्टूडेंट होंगे, द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट ड्यूरिंग द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ द फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम। पहला है क्या कि जो आपने अपीयर तो किया था लेकिन आपको कोई भी सीट नहीं अलॉटेड। दूसरा है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव विदड्रॉ फ्रॉम द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस बिफोर 20 अगस्त 2023, जिन्होंने चूँकि 20 अगस्त ही था लास्ट डेट थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग का, तो अगर उनको सीट मिला हो और अगर उन्होंने फ्रीज कर लिया हो तो वो भी स्टूडेंट आप एलिजिबल हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वेयर अलॉटेड सीट्स इन एनी ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड बट डिड नॉट एक्सेप्ट द सीट बाय पेइंग द सीट कन्फर्मेशन फी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने पेमेंट ही नहीं किया, हो सकता है उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या बहुत सारे के स्टूडेंट को पता ही नहीं चला, ठीक है ना। तो इस कारण से भी तो वो सारे स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, ओके। फोर्थ पॉइंट है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट ने कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस ही नहीं किया, वो भी कैंडिडेट, बस आपका रैंक कार्ड होना चाहिए, ओके। एंड लास्ट पॉइंट है रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वेयर अलॉटेड सीट इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द सीट कन्फर्मेशन फी बट सीट वॉज कैंसिल ड्यू टू एनी डिफिशियंसी, ओके। किसी रीजन से सीट कैंसिल हो गया होगा और अगर एनी डिफिशियंसी, मतलब किसी भी रीजन से अगर आपका सीट कैंसिल हो गया पेमेंट फीस करने के बाद भी, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस में ड्यूरिंग स्पॉट राउंड की एनी फीस पेड एज ए स्पॉट राउंड फीस इज नॉट रिफंडेबल। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप स्पॉट राउंड में कोई भी सीट फिल करते हो, ठीक है, और अगर आपको वहाँ पे सीट अलॉट होता है तो आपको फीस रिफंड नहीं होगा, क्योंकि जब स्पॉट राउंड होगा तो आपको फीस पहले ही पेमेंट करा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, ये सब जो जैसे नॉर्मल प्रोसीजर था इस प्रोसीजर से नहीं होगा। आपको स्पॉट राउंड में आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा कि स्पॉट राउंड में आप सेलेक्ट करोगे कौन सा, कि आपको जैसे स्पॉट राउंड में सीट का अनाउंसमेंट पहले ही हो जाएगा। इन्होंने क्लियर लिख के दिया है, आपको दिखेगा 22 अगस्त
22 अगस्त को इवनिंग में 4 PM पे इन्होंने लिखा है कि अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसी पोजीशंस। ओके, तो 22 को आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कौन सा सीट खाली है। तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ध्यान से सुन लो, इस बात का एकदम ध्यान रखना कि आपको जिस कॉलेज में जाना है, ठीक है ना, उसी कॉलेज में वो आप स्पॉट राउंड डालना, दूसरे कॉलेज में मत डालना। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो राजोकरी कैंपस चले गए, राजोकरी मिला लेकिन अब किसी के लिए नज़दीक हो सकता है, किसी के लिए काफ़ी दूर था, उन्होंने एडमिशन कैंसिल करवा लिया। अब मान लो कि आप राजोकरी डाल दोगे, ठीक है ना, कि हमें ये तो ऐसा होना चाहिए कि आपको कहीं भी मिल जाए तो ठीक है। तो इसीलिए एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आपको जो जो कॉलेज आपको लगता है कि हमें इस कॉलेज में और ये ब्रांच मिलेगा तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, तो इसी कंडीशन में रहना। क्योंकि अगर ऐसे अनलिमिटेड फील कर दोगे, अगर कोई भी कॉलेज मिल गया तो आपको जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज पेमेंट रिफंड नहीं होगा। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि एनी फीस पेड एज अ स्पॉट राउंड फीस इज नॉट रिफंडेबल इन केस अ स्टूडेंट सीट इज अलॉटेड एंड कैंडिडेट डज नॉट टेक द सीट। ठीक है ना, अगर सीट अलॉट होता है, अगर आप सीट वो नहीं लेते हो तो फीस आपका रिफंड नहीं होगा। ओके, इन केस अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन ए स्पॉट राउंड एंड कैंडिडेट एक्सेप्ट द सीट, द स्पॉट राउंड फी विल बी एडजस्टेड इन द कोर्सेज फी। जैसा कि अभी बाकी स्टूडेंट के साथ हुआ है कि जो 7,850 रुपये के आसपास था जो फीस उन्होंने जमा किया था जब काउंसलिंग के दौरान, तो फीस किस में हो जाता है कि जो आपका कॉलेज का फीस है उसमें आपको वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो सेम यहाँ भी है कि अगर आप स्पॉट राउंड में आपको सीट मिलता है, अगर आप सीट लेते हो तो ये जो फीस है आपको ट्यूशन फीस के साथ आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा और बाकी रेस्ट अमाउंट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन स्पॉट राउंड विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर विलिंगनेस थ्रू देयर DSU पोर्टल लॉगिन। जैसा कि DSU पोर्टल पे आप लोग पहले किए हो, सेम उसी तरह से आपको करना है। विलिंगनेस मीन्स कि आप एलिजिबल हो तो वो आपको दिखाना है। ठीक है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव देयर फ्रेश चॉइस ऑफ स्पॉट राउंड। हाँ, इसमें आपको फ्रेश चॉइस होगा, जैसा कि मैं पहले कि फ्रेश चॉइस करने का रीज़न यही है कि आपको वहाँ पे वही ऑप्शंस आएगा जो जहाँ पे सीट वैकेंट है, और सीट वैकेंट कहाँ पे कितना सीट है वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 22 अगस्त को आपका क्या होने वाला है, अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसी पोजीशंस। उसके बाद है 23 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक, 23 अगस्त को 4 बजे से लेके 25 अगस्त 4 बजे तक क्या ऑप्शंस है। तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव देयर विलिंगली ऑनलाइन ऑन द पोर्टल ऑफ DSU। आपको कब शुरू करना है, 23 तारीख को शुरू करना है। ठीक है ना, 23 तारीख को आपको 4 बजे पोर्टल ओपन हो जाएगा, 23 तारीख को आपको फॉर्म फिल कर लेना है। ऐसे 23 से 25 तक होगा फॉर्म फिलिंग। ओके, ऑन गिविंग विलिंगनेस कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ स्पॉट राउंड। आपको जैसे ही वहाँ पे जो भी उसका कंडीशंस होगा फुलफिल करोगे, आपको वहीं पे इंस्टेंट आपको 7,875 रुपीज आपको पे करना है। ओके, स्पॉट राउंड फील विल बी एडजस्टेड विद द सेमेस्टर फीस, ऑलरेडी मैंने बता दिया। इन केस नो सीट अलॉटेड, अगर सीट अलॉट नहीं होता है तो आपने जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आपने बैंक डिटेल दिया था तो वो बैंक डिटेल पे ऑटोमेटिक आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा। अगर आपका सीट मिल जाता है और एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, वो सरकार के खाते में जाएगा। ठीक है, प्रिफ्रेंस चॉइस सबमिशन फॉर स्पॉट राउंड कैंडिडेट विल ओनली ओपन एट द गिवन डेट्स। जो डेट दिया हुआ है उतना ही दिन तक आपको प्रेफरेंस चूज करने का ऑप्शन रहेगा, मीन्स 23 से 25 तक आप प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू चेक द वैकेंसी पोजिशन बिफोर सबमिटिंग द प्रेफरेंस चॉइसेज। आपको पहले चेक कर लेना है कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है, ऑलरेडी सीट आपको मिल जाएगा और मैं हूँ आपके साथ तो मैं आपको ऑलरेडी इसी चैनल के माध्यम से बता भी दूंगा कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है। ठीक है, आप लोग बने रहना। ठीक है, द कैंडिडेट आर रिकमेंडेड टू ओनली पुट दोज प्रिफ्रेंसेज वेयर दे विलिंग टू टेक द एडमिशंस। ओके, इसमें क्लियरली मेंशंस है कि आप जहां पे एडमिशंस ले सकते हो वही केवल चूज करना, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी कर देना फिर बाद में, अदरवाइज आपका नुकसान क्या होगा कि आपको ये जो पैसा है उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और कॉलेज का नुकसान क्या होगा कि वहाँ पे सीट फिर से वैकेंट रह जाएगा। ठीक है, मान लो कि अभी कर दिए, आपको स्पॉट राउंड में वो नाम भी आ गया, आपने एडमिशंस नहीं लिया, अब फिर से तो दूसरा स्पॉट राउंड तो होगा नहीं, तो वो सीट भी कॉलेज के पास खाली रह जाएगा और आपके लिए नुकसान हो गया कि आपका पेमेंट गया। इसीलिए रूल लाया गया है, इफ इट इज एडवाइज दैट एनी चॉइस वेयर द कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड शुड नॉट बी सेलेक्टेड। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है
यहाँ पे लिखा है इट इज एडवाइज दैट चॉइस वेयर द कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड, जहाँ आपका चॉइस नहीं है उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस था जो 23 से 25 तक रहेगा एंड 28 तारीख को 28 अगस्त को रिजल्ट ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि कौन सा कॉलेज में आपको सीट अलॉट किया गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि 29 से 31 को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है वो होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर न्यू कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन द स्पॉट राउंड, वो केवल उसके लिए है जो कि स्पॉट राउंड में सिलेक्शन होगा उनके लिए, ओके। जैसे ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, उसमें भी उसके बाद एक दो प्रोसेस होता है कि आपको मतलब एक दो फॉर्म होता है जैसे कि एंटी रैगिंग फॉर्म, ओके। और आफ्टर दैट ये सब फॉर्म फिल करने के बाद आपको एडमिशन लेटर मिलेगा, एडमिशन लेटर लेके फिर कॉलेज में जाना है और फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन होगा। और फाइनल एडमिशन के टाइम पे जो ड्यू अमाउंट होता है वो आपको पेमेंट करना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी जो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड वाले स्टूडेंट ऑलरेडी उनका आज 18 है, आज ही लास्ट डेट है, तो आज उनको पेमेंट करना, ठीक है। तो ये है प्रोसीजर, तो आप लोग तैयार रहें कब के लिए, 22 अगस्त को सीट आएगा, 22 अगस्त को ही मैं आपको वीडियो बता दूंगा वीडियो के माध्यम से कि कौन सा कॉलेज में कौन सा सीट खाली है। आप लोग अपना देख लेना लोकेशंस वाइज कि कितना दूर है, जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, और उसके बाद 23 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो अब जिनका एडमिशन्स नहीं हुआ है या किसी को किसी ब्रांच नहीं मिला है जो वही चाहिए था, तो आप लोग स्पॉट राउंड में अपना लक ट्राई कर सकते हो, ओके। दिस इज द लास्ट स्टेप, जिस स्टूडेंट का नहीं हुआ है तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि जिंदगी खत्म हो गया है, अभी भी आपके पास टाइम है, हम एक साल वेट कर लेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और जो ब्रांच चाहेंगे जो कॉलेज चाहे वो मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि अगर इस बार नहीं मिला तो मेरा लाइफ खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गया, करियर खत्म हो गया, ठीक है, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ, अगर आपको लगता है कि आप प्राइवेट कॉलेज में एलिजिबल हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ़ीस जो है ऑलरेडी मैंने बताया भी था कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो आपको 30,000 पर ईयर से लेके 50,000 पर ईयर तक फ़ीस होता है, ठीक है ना, वो जो फ़ीस है। और जो भी कॉलेजेज हैं दिल्ली में आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे नहीं, दिल्ली NCR में आपको लाइक सोनीपत हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, इस लोकेशंस पे आपको कॉलेज मिलेंगे। तो अगर आपको इस तरह के कॉलेजेज में अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, आप कैपेबल हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। डिग्री का वैल्यू सब बराबर होता है, ऐसा नहीं कि डिग्री का वैल्यू अलग अलग होता है, बस ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट से होता है तो आपको फ़ीस कितना है, 17,500 रुपये है गवर्नमेंट कॉलेज से। लेकिन कुछ इंटीग्रेटेड कॉलेजेज है जैसे आदित्य इंस्टीट्यूट है, छोटू राम है, अब छोटू राम की अगर फीस की बात करोगे तो 50,000 है, ओके। आदित्य का भी फीस मुझे लगता है उसका भी ज़्यादा है, 30-35 के आसपास है पर ईयर का फीस, ओके। चूंकि प्राइवेटली मैनेज्ड कॉलेज है, DSU इंटीग्रेट किया गया है इसलिए, लेकिन फीस उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो उस केस में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बाकी मेरा सजेशंस यही है कि अगर हो सके, अगर लगता है कि ऐसा नहीं है, मेरा बहुत ज़्यादा एज नहीं है, मेरे पास टाइम है, तो आप अगले साल के लिए तैयारी कर सकते हो, ओके। अब बाकी जैसे ही स्पॉट राउंड का डेट आता है, स्पॉट राउंड का सीट आता है, मैं आपको अपडेट करूंगा, जैसे भी आता है मैं उसी दिन आपको अपडेट कर दूंगा। और आप लोग चैनल पे बने रहें, जुड़े रहें दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए, बाकी आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा चैनल बनने जा रहा है और बहुत कोर्स हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, इंटीग्रेट कर रहे हैं कोर्स, स्किल डेवलप प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट का और सेमेस्टर का प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसके अंदर, और आप लोगों के लिए बहुत कुछ मैंने प्लान कर रखा है, आपको बाकी इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। और जो भी आपके आसपास के जो छोटे भाई हैं जूनियर्स हैं, आप उनको इसके बारे में बताइए कि आपको जो डिफ़िकल्टी हुआ है, जो तकलीफ़ हुआ है ये करने में, उसको ये सब चीज़ें नहीं उठाना पड़े, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। जो भी जूनियर्स हैं या स्कूल के हैं, ग्रुप्स हैं, आप वहाँ पे बच्चे को बता सकते हैं कि इस तरह का कोर्स है, अभी से इसके बारे में जानना शुरू करें तो आगे चल के ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी मॉड्यूलेशन आप लोगों के साथ है और हमेशा रहेगा, तो बने रहे मॉड्यूलेशन पे, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर में कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रिक्वेंटली कॉल करना है, आप भी समझ सकते हैं कितना कॉल रिस्पॉन्ड करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर कोई ऐसा लगता है डाउट है, इंपॉर्टेंट डाउट है, तो कोशिश करें कि मैसेज के माध्यम से बात करने का, अगर नहीं होता है तो कॉल कीजिएगा, ओके। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ओके, थैंक यू।